हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भगवान सत्यनारायण जी की कथा। तो आज है 5 मई और आज है रविवार। आज के दिन आप लोगों को मैं भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा को शुरू करती हूं। सत्यनारायण व्रत हर महीने में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए नारायण और लक्ष्मी मंदिर जाते हैं। सत्यनारायण व्रत हिंदुओं के बीच अपना धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन पर लोग व्रत रखते हैं और विष्णु जी की पूजा किया करते हैं। एक समय की बात है, योगी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जो जिससे करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक जा पहुँचे, जहाँ श्री हरि विष्णु जी सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी को देख विष्णु जी बोले, हे महर्षि, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तो नारद जी बोले, प्रभु, मुझे कोई ऐसी सरल और छोटा सा उपाय बताइए जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान विष्णु जी बोले, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत पर लोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करानी चाहिए। विष्णु जी के बताए गए व्रत का वृतांत व्यास जी ने स्कंद पुराण में किया है। सत्यनारायण व्रत बहुत खास माना जाता है तथा इस व्रत को पूर्ण निष्ठा पूर्वक करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।